इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का T20 मैच है, वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप 2021 का मैच है। वीडियो को लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो में A to Z एनालिसिस मिलेगा। तो भाई मेरे मैच नंबर 25th है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का दिया गया, जाओ ज्वाइन हो जाओ, आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। मैच का व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है। किसी प्रकार डिटेल्स हो, किसी प्रकार का इंक्वायरी हो, किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो, अपना नाम लिख के मैसेज कर देना। बाकी ये 30 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा, 3:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। डबल हेडर मैच है और एक मैच है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का, बहुत अच्छा मैच होने वाला है, दोनों बहुत शानदार मैच होने वाला है। हॉट स्टार पर स्ट्रीम करके लाइव देख सकते हो, शारजा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि ये मैच खेला जाएगा। और सबसे बड़ी बात करते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का सीरीज हुआ था, श्रीलंका साउथ अफ्रीका दौरे पर गई थी, जिसमें से क्लीन स्वीप किया था, साउथ अफ्रीका ने 3-3 से मैच जीता था। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट में बने रहना, क्योंकि तो इस वीडियो में आपको A to Z एनालिसिस मिलेगा। तो इस बीच में शारजा की बात करें, 19 मैच हो चुके हैं अभी, वेस्ट इंडीज और आपको बांग्लादेश का मैच हुआ, काफ़ी शानदार मैच हुआ। वेस्ट इंडीज ने 3 रन से डिफेंड किया और मैच जीता। और आप देख सकते हो इस पिच पे ज़्यादातर लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, अभी तक तो कोई उतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुए हैं। स्लो विकेट पिच है शारजा का, लो स्कोरिंग मैच यहाँ पे पसंद है। 140 स्कोर यहाँ पे बहुत अच्छा होगा डिफेंडेबल के लिए, 140 अगर लगते हैं तो डिफेंड के आगे समझो कि डिफेंड हो जाएगा। इस पिच पे पेसर से ज़्यादा यहाँ पे स्पिनर इस पिच पे विकेट लेते हुए नजर आएंगे, पेसर आपको फर्स्ट इनिंग में इफेक्टिव होंगे। टीम न्यूज बता दें आपको, साउथ अफ्रीका से श्रीलंका का, साउथ अफ्रीका टेम्पा बामुमा, लास्ट मैच में डिकॉक अपने पर्सनल रीजन के कारण नहीं खेले थे और होप कि ये खेले मैच। बाकी श्रीलंका प्लेइंग 11 धनुष सनागा लीड करते हुए आएंगे, प्लेइंग 11 सेम रन है। अगर डिकॉक निकलते तो रिजा हैंडिक को लाया जाएगा और रिजा हैंडिक पिछले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ काफ़ी शानदार परफॉर्म किया था। प्लेइंग 11 पर ध्यान दो तो प्लेइंग 11 सेम रहने वाला है, डिकॉक की जगह पर रिजा हैंडिक खेल सकते हैं। श्रीलंका में देखोगे कुशल पटेल, प्रथम निशंका, चरिता श्रीलंका, अविशंका फर्नांडो, और अविशंका फर्नांडो अभी उतने इस लीग में T20 2021 में वर्ल्ड कप में एक अच्छा फॉर्म में नहीं देखे जा रहे हैं। और भानुका राजपक्ष, धनुष सनागा, वो हसरंगा हर मैच में 1-2 मिनिमम विकेट निकाल दे रहे हैं। और लहरू कुमारा, विनू फर्नांडो, दुस्वांदा चमीरा, हेड टू हेड दोनों टीमों ने 16 मैच खेला है, 16 में से 11 साउथ अफ्रीका और 5 श्रीलंका ने जीता है। पिच पे पहली बार शारजा स्टेडियम पे दोनों टीम खेलेगी साउथ, और साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है श्रीलंका के अगेंस्ट, और टीम देख सकते हो अच्छा परफॉर्म कर रही है। साउथ अफ्रीका लास्ट 3 मैच सीरीज जीत के आ रही है। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट मैच साउथ अफ्रीका जीत के आ रही है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और श्रीलंका हार के आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, बाकी 4 कंटिन्यू मैच जीतने के बाद यहाँ पे हारी है। क्वालिफायर का मैच भी खेली थी, की प्लेयर्स आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका तरफ से, जो कि इंपॉर्टेंस प्लेयर है आपको पिक करके लेके चलना है। और डिकॉक नहीं खेलते हैं तो रिजा हैंडिक खेलेंगे, तो इनको ले लेना। अभी डिकॉक का रीजन कन्फर्म नहीं हुआ है खेलेंगे कि नहीं। अभी राशि वांडर डुसेन काफ़ी शानदार फॉर्म में है, एडम मार्कम पिछला मैच में 51 रन बनाए थे, रवाडा नोकिया, तो ये बॉलर आपको लेके ही चलना है। बाकी श्रीलंका की तरफ से कुशल पड़ेरा, असलंका, भानुका राजपक्ष, वेंदु हसरंगा, लहरू कुमार है, ये प्लेइंग 11 में आपको पिक करके चलना है, अच्छे फॉर्म में रहेंगे। अच्छा आप तो की प्लेयर डीम 11 टीम पर आप देखो तो की प्लेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना, जो जो मैं की प्लेयर्स दे रहा हूँ, और ये अच्छा फॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का दिया गया है, अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जाओ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, दोनों टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। डीम 11 भाई, डीम 11 वाले पे जरूर ज्वाइन हो जाना, आपको टीम वहाँ पे अपडेट मिल जाएगा। टीम देख लो भाई मेरे, तो यहाँ पे जहाँ तक देख सकते हो टीम का अगर एनालिसिस किया जाए डीम टीम के लिए, तो कुशल पड़ेरा और हैरी और हैनिस क्लासिन, तो दो आपको विकेट कीपर हैं। डिकॉक अगर नहीं आएंगे तो हैनिस क्लासिन भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप यहाँ पे कुशल पड़ेरा अच्छे फॉर्म में है, हर मैच में अच्छा, पिछले मैच में देख सकते हो एक अच्छा खासा स्कोर किया था। बैटिंग में देखोगे राशि वांडर डुसेन, एडम मार्करम, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पिक करना चाहूँगा यहाँ पे कुशल पड़ेरा को और हैनिच क्लासिस को, वही आप देख सकते हो एडम मार्करम, राशि वांडर डुसेन, और आप चाहो तो भानुका राजपक्षा, और 3 बैट्समैन ले रहा हूँ। देख सकते हो शारजा का पिक्चर लो स्कोरिंग मैच होगा, और यहाँ पे स्पिन बॉलर तो वंजू हसरंगा और डोनी पेट्रोरियस, पेट्रोरियस को जरूर पिक करना साउथ अफ्रीका तरफ से, बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, अच्छे विकेट लेंगे। कशिगो रबाडा, तब्रेज शाम्स इस पिच पे आपको इफेक्टिव होंगे, बाकी एनएच नोकिया, और यहाँ पे आप दुस्वांता चमीरा के साथ, या महेश तिकसाना भी आ चुके हैं टीम में, तो इनके साथ भी आप पिक कर सकते हो।
कैप्टन वाइस कैप्टन, देखो कैप्टन वाइस कैप्टन मैं यहाँ पे जो कि है आपको यहाँ पे बॉलर के साथ जाना चाहूँगा, बैटिंग यहाँ पे स्कोरिंग मैच नहीं होगा तो बॉलर के साथ आप जाओगे, बॉलर इफेक्टिव होगा। चारों बॉलर में से आपके पास कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शन अवेलेबल है, किसी को भी पिक कर लेना, अच्छा फॉर्म करेगा। बाकी नोकिया रवाडा सामसी ये मेरे पसंद रहेंगे इस मैच के लिए, अपडेट में अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।